हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन यूट्यूबर सलमास चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आज का ब्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आपको मैं ये क्या दिखा रही हूँ, आप सब शॉक हो जा रहे हैं ना, तो वीडियो देख के बताइए ये मैं क्या पका रही हूँ। गेस करिए जल्दी। इस टाइम पीरियड में वीडियो को पॉज करके कमेंट में जाके ज़रूर बताइए कि ये क्या हो सकता है। छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि ये एक नॉनवेज डिश है, तो शायद अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या पका रही हूँ। यस फ्रेंड, आज मैं आपके साथ तो शेयर नहीं कर सकती कि मैंने ये क्रैब केकड़ा कैसे पकाया, लेकिन ये मैं कोई और एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको क्रैब पकाने का आइडिया या रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा लाइक होगा इस वीडियो में उतना जल्द से जल्द मैं रेसिपी शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मेरा लंच रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने मैदा एंड रवा का चीला ले लिया है एंड एक क्रैब ले लिया है। मैंने दो क्रैब पकाया था, तो एक क्रैब मेरे लिए एंड दूसरा मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बचा के रखा है। एंड आप सोच रहे हो कि क्रैब कोई खाता है क्या? फ्रेंड्स, आपको पता ही नहीं कि क्रैब कितना बेनिफिट होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर कर लेती हूँ। इसे पकाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट जब हम इसके पकाते हैं एंड इसके खाने का जो बेनिफिट हमें मिलती है, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले, क्रैब के मीट में हाई मात्रा में फॉस्फोरस पाई जाती है एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स पाई जाती है जो कि हमारे बोन्स एंड टीथ के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट, ये हमारे हार्ट के हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेता है। थर्ड पॉइंट, अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात कर ले, इस मीट को खाने से हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को ग्रेट बैलेंस करके रख सकते हैं एंड ये क्रैब मीट हमारे बॉडी के एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को भी इंक्रीज कर देता है एंड हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी इंक्रीज करके रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये क्रैब मीट। तो आप ज़रूर से ज़रूर खा के अपने हेल्थ बेनिफिट्स को बढ़ाते रहिए एंड स्वस्थ रहिए। शाम को मैं आपको एक वेडिंग में लेके जाने वाली हूँ, उसके पहले मैं आपके साथ गेट रेडी विथ मी शेयर करूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगे, तो एंड तक वीडियो देखिए एंड एन्जॉय कीजिए मेरा वेडिंग लुक। फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे अपना बेस मेकअप कंप्लीट कर लिया है। सॉरी टू से फ्रेंड्स, मैंने कैमरा ऑन करना मैं टोटली भूल चुकी थी, तो मेरा बेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने हेयर स्टाइल भी कर लिया है, आईब्रो भी कर लिया है। मैं काजल लगा रही हूँ, मैं हिमालय के काजल लगा रही हूँ। सारे प्रोडक्ट के परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, वो तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। अभी विंटर एंड वेडिंग सीजन का डिस्काउंट अच्छा खासा चल रहा है, तो जाके डिस्काउंट का मज़ा उठाइए। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक लाइट पिंक कलर का लिपस्टिक लगा रही हूँ, बट मुझे थोड़ा सा कमी लग रही थी तो उसको मैंने अपने रेड लिपस्टिक के साथ टॉप अप करने की सोची एंड द कलर जो निकला था फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। आपको एंड में पिक्स दिखाऊंगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे फेस में जो लिपस्टिक का शेड मैंने मिक्स मैच करके अप्लाई किया था वो कैसा लग रहा। तो लिपस्टिक को मैं लगा लेती हूँ अच्छे से अपने लिप्स में। देन उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने लाइनर अप्लाई नहीं किया था, मैंने गलती से आपको बोल दिया था। तो चलिए, अब बारी आती है हमारे लाइनर की। तो लाइनर के लिए मैं यहाँ पे स्केच लाइनर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद, जैसे कि आपको पता है कि स्केच के साथ मुझे लिक्विड लाइनर मिक्स करने में अच्छा लगता है, ताकि मेरा जो आई लाइनर है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। मैं यहाँ पे नॉर्मल लोकल स्केच लाइनर यूज़ करती हूँ डे टू डे लाइफ में, उसका भी परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड मैं उसको लैक्मी का इंस्टा लिक्विड लाइनर के साथ मिक्स करती हूँ, ताकि मेरा जो लाइनर है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहे। एंड आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से लाइनर अप्लाई कर लिया है स्केच लाइनर से एंड उसको मैं मिक्स कर लूँगी, मतलब उसको मैं कोट कर लूँगी मेरा लैक्मे इंस्टा लाइनर से, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए, मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। हाँ, हमेशा कुछ भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले बोतल को शेक कर लीजिए, ताकि जो अंदर का जो मटेरियल है वो अगर क्लॉक्ड हुआ हो तो अच्छे से
शेक करने के बाद हमें मिल पाए। तो आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ एंड मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे आ चुके हैं काम से, उनके ही काम के किसी कलीग के रिलेटिव्स की शादी है तो वहीं हमें जाना है एंड वो आ चुके हैं। आप देखोगे कि वो कितने ज़्यादा नौटंकी कर रहे थे। मैं जब यहाँ पे लाइनर लगा रही थी वो मेरे पीछे आके अपना ओवर एक्टिंग आप सबके साथ आप सबको दिखा रहे थे। आप जल्दी देख पाओगे, देखना, देखो कर क्या रहे हैं ये, देखो देखो देखो। सॉरी फ्रेंड्स, ऐसा होता है, हम लोगों में मजाक मस्ती चलती रहती है और उतना ही हमारे में झगड़ा भी होता है, तो हर प्यार में नोक झोंक तो चलती रहती है हर रिलेशन में। तो चलिए अब बारी आती है ब्लश एंड हाइलाइटर की। तो मैं ज़्यादा हाइलाइटर लगाती हूँ नहीं, लेकिन मैं ब्लश एंड हाइलाइटर को मिक्स करके लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एंड आप एक नेचुरल ग्लो देख पाओगे। साथ ही साथ मेरे जो स्किन की रौनक है वो भी बहुत ज़्यादा निखर जाती है। तो ऐसे ही करके मैं अपने चीक्स पे लगा लूँगी, फोरहेड पे लगा लूँगी, टॉप ऑफ द नोज़ पे लगा लूँगी एंड क्यूपिड बो पे भी लगा लूँगी। एंड जो हर एक एरिया में जो हाइलाइटर की एरिया है वो सारे एरिया में मैं अपने अच्छा खासा हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, ताकि जब हम पिक्चर क्लिक करें मेरा स्किन एंड मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगे। विंटर सीजन में हमारा फेस से ग्लो निकल जाता है, बट हाइलाइटर के ट्रिक से हमारे फेस में ग्लो हम वापस ला सकते हैं। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हाइलाइटर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं किसके लिए रेडी हो रही, हम तुमको लेके नहीं जा रहे, पर मैं बोल रही हूँ हाँ फिर भी मैं जाऊँगी, तुमने बोला कि मेरे साथ चलने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। एंड आपको अगर आउटफिट देखना है सभी का तो एंड तक रुक जाइए, मैं क्लिक्स इंक्लूड कर दूंगी। तो यहाँ पे हम लोगों को रुकना पड़ता है हाफ वे में, क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी आ रहे थे, तो तब हम लोगों ने टाइम वेस्ट बिना करते हुए कुछ सेल्फीज भी क्लिक कर ली। तो चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं एंड चल पड़ते हैं हमारे वेडिंग डेस्टिनेशन पे। ये रात का व्यू है, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, जिसे कि आप देख रहे हो डेकोरेशन एक नंबर की गई थी एंड इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है एंड जो मल्टी कलर के अम्ब्रेला छोटा छोटा लगाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खिल रहा है इस शादी के, क्या बोलते हैं उसको, डेकोरेशन का क्लिक्स मैं एंड में ज़रूर ऐड करूँगी। एंड तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, बहुत अमेजिंग सा। एंड यहाँ पे हमारे गणेश जी हैं, सब आप प्रणाम भी कर लो मेरे जैसे। तो चलिए एंट्री मार लेते हैं एंड अब बारी आती है हमारी दूल्हा और दुल्हन की स्टेज की, जैसे आप देख रहे हो कितना अच्छा सजाया गया है यहाँ पे। मैं थोड़ी दूर खड़ी थी इसलिए आपको अच्छे से नहीं देख रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी सामने से जाके क्लिक करने का। आप देख रहे हो ये वरमाला हो रही थी। तो चलिए अब हम लोग डिनर कर लेते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हो कि मैंने डिनर में क्या क्या लिया है, बोल तो नहीं सकते, आप देख ही लो यार। तो चलिए यहाँ पे बाबू को देखिए बस, जैसे ही मैंने अपना कैमरा उसके तरफ घुमाया उसका नौटंकी देखिए बस, वो देख के मैं हंस रही थी हाँ। तो चलिए अब डिनर तो कंप्लीट हो चुका है, अब आपको एंड व्यू दिखा देती हूँ पूरा हॉल का, सॉरी पूरा गार्डन का। वो बहुत बड़ा एरिया था फ्रेंड्स, बहुत ही भीड़ थी, शादी के मौके में हर कोई आया था एंड आप देख सकते हो कि डेकोरेशन कितना अच्छा था एंड कितना बड़ा जगह लेके। एंड ये है मेरे हस्बैंड के दोस्त जो उनके साथ काम कर रहे थे और ये उनका खाना झपटा लिया एंड वो क्या बोल रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। तो चलिए यहाँ पे सबका खाना वाना हो चुका था एंड 12:30 बज चुके थे। तो दूर भी थी थोड़ा, 40-45 मिनट का रास्ता था हमारे घर से ये मैरिज हॉल तक का, तो हमें रिटर्न भी जाना था। लेट हो चुकी थी, अंधेरा भी हो चुका है एंड आप अभी बहुत कुछ न्यूज़ सुन भी रहे हो तो समझ पा रहे हो। तो जल्दी से हम लोग निकल पड़े घर के लिए और ये देखिए फिर से मैं वही रास्ता में जा रही हूँ। आपको याद ही होगा, अच्छे से याद करके मुझे बताइएगा ये क्लिक्स मैंने कौन से वीडियो में आपके साथ शेयर किया था एंड इस
में भी मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं यही रास्ते से वापस भी जा रही थी, तो मैंने सोचा चलिए इस याद को फिर से ताज़ा कर लेते हैं आपके साथ। जिन्होंने भी वो ब्लॉग नहीं देखा होगा तो जल्दी से मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वो बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग था, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो तो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो। अरे यार, लाइक तो कर दो ताकि मुझे पता चले कि आप मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा है कि बुरा। एंड आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप सबके लिए और डेली ब्लॉग्स बनाने का। आई होप कि ये वीडियो भी आप सबके लिए बहुत अमेजिंग रहा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को भी एंड शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। एंड मेरा ऐसा और भी अपडेट्स एंड डेली ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल के नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके ग्रे कर लीजिए एंड पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आप सबको नोटिफिकेशन मिले एंड सबसे पहले आप देख पाओ। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग में, नेक्स्ट डे का ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड क्लिक्स को एंजॉय कीजिए।